मैं रेखा जैन और आप देख रहे हैं सिर्फ जनसमय न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। टोल आंदोलन हुआ अनियंत्रित, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जवाई बांध में आया 25.9 फीट पानी। आर्ट ऑफ लिविंग ने बालिका स्कूल में लगाई सैंड प्रीपेड मशीन। एसएमसी बैठक भोपाल सभा सम्पन्न, हरित पाठशाला के तहत किया पौधारोपण। और पैदल यात्रियों के लिए जगह जगह हो रहा है राम रसोड़े का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। टोल आंदोलन हुआ अनियंत्रित, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले के उत्मन टोल प्लाजा का आंदोलन अनियंत्रित हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग कर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। नेशनल हाईवे 62 पर जाम लगाकर सुबह 10 बजे आंदोलन शुरू किया गया। सिरोही विधायक स्वयं लोढ़ाने के नेतृत्व में आंदोलनकारी एकत्र हुए, वहीं पुलिस ने गुजरात से आने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया। राजस्थान के अन्य जिलों में वाहनों को शिवगंज पर रोका गया। प्रशासन ने हाईवे जाम नहीं करने की प्रदर्शनियों की अपील की। विधायक स्वयं लोढ़ाने मीडिया को बताया कि हम 3 घंटे से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु टोल व स्थानीय प्रदर्शन हमसे बात करने नहीं आया, जिससे प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध टूट रहा है। पुलिस ने भीड़ का जमावड़ा बढ़ता देखकर अनियंत्रण हेतु आंसू गैस की गोली छोड़कर तितर बितर करने का प्रयास किया। प्रशासन ने कोई अप्रिय घटना नहीं हो तो इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है, लेकिन इसमें यात्रियों, भाड़ोत्री, वाहन चालक, मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। टोल प्लाजा पर प्रशासन के अधिकारी पहुँच कर शीघ्र ही विधायक स्वयं लोढ़ा से वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद ही आंदोलन के आगामी चरण का पता लगेगा। वहीं हजारों की एकत्र भीड़ वार्ता खत्म होने का इंतजार कर रही है। जवाई बांध में आया 25.9 फीट पानी। सिरोही से जितेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार जिले सहित आसपास के कई जिलों में मानसून पिछले 3 दिनों से सक्रिय है। वहीं बुधवार देर शाम शुरू हुए कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश के दौर में आम लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं किसानों की फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। सिरोही जिले के आसपास के क्षेत्रों में खेत में पानी भर गया है, जिसके चलते किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में नदी नाले भी बहते नजर आ रहे हैं। बेड़ा नदी के अपने पूरे उफान पर चल रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जहां आज शाम 4 बजे तक 25.9 फीट पानी आ चुका है। वह लगातार अभी भी कभी तेज तो कभी फास्ट पानी की आवक जारी है। जिले में बारिश को लेकर जगह जगह गांवों में जल भराव को लेकर आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग ने बालिका स्कूल में लगाई सैंड प्रीपेड मशीन। आबू रोड से लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह योजना की प्रेरित होकर आर्ट ऑफ लिविंग आबू रोड परिवार की तरफ से अबूटा कन्या विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन लगाने की शुरुआत की है। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग की संगीता अग्रवाल ने विद्यालय की बच्चियों को इस सैनिटरी वेडिंग मशीन का उपयोग करना सिखाया। उन्होंने बताया कि महावीर शरीर की रचना है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस समय अपने आप को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सैनिटरी नैपकिन का उपयोग नहीं करने पर भारत के अनेकों बीमारियों का जन्म होता है। इससे हम पर्यावरण एवं वातावरण को भी शुद्ध रख सकते हैं और यह प्रकृति की एक सेवा भी है और हमारा मन शांत व संतुलित रहता है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य शुभ्री सिंघल ने भी बच्चों को सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता के बारे में बताया तथा आर्ट ऑफ लिविंग परिवार को भी धन्यवाद दिया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के डॉक्टर हनुमान सिंह, भूपेंद्र समरिया, विनय गोयल, अलवा गर्ल, रीटा मेरा, बिंदु सोनी उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जन समय परिवार की ओर से आप सभी जालो एवं सिरोही जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ग्रामवासियों, जिले वासियों के साथ समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई के साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सरपंच चंपालाल राणा, ग्राम विकास अधिकारी संतोष कुमार जोशी, ग्राम पंचायत आलासन, पंचायत समिति सायला, जिला जालोर, राजस्थान। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अमित जोर से नगर अध्यक्ष नेशनल कांग्रेस अभिवोट की ओर से समस्त शहर वासियों, जिले वासियों एवं देश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी जिलेवासियों के साथ समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुरेश चौधरी व्यवस्थापक भूति एवं चंद्रय गांव सेवा सहकारी समिति लिमिटेड तहसील आहूर जिला जालौर मोबाइल नंबर 9928923298 उदय सिंह राठौर अध्यक्ष भूति ग्राम सेवा अधिकारी समिति नरपत सिंह अध्यक्ष चंद्रय गांव सेवा सहकारी समिति। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी ग्रामवासियों जिलेवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरपंच ममता बामणिया, उप सरपंच जब्बर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी सुमन मीणा, ग्राम पंचायत चांदराई तहसील आहोर जिला जालौर राजस्थान। स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को वाईएसआर सीपी पार्टी मेंबर जितेंद्र राजपुरोहित की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जितेंद्र राजपुरोहित वाईएसआर सीपी पार्टी मेंबर विजयवाड़ा फोन नंबर 9494769240। 77वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी जिलेवासियों के साथ समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। व्यवस्थापक श्री मामाजी मेडिकल एवं जनरल स्टोर रोडला, माधाराम देवासी सांडेराव हॉल रोडला, मोबाइल नंबर 9928911611। माता की जय। नमस्कार साथियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब ये महापर्व मनाएंगे। और दूसरी बात, हम लोगों को एक ये संदेश देना है कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो बहन अपने भाई को जो प्रेम का ये जो डोरा बांधती है, इसमें हम सबको उस बहन की रक्षा करनी है। और भारत में जितनी भी बहनें हैं उनकी रक्षा हो और भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि बहनों की रक्षा करने में सबसे आगे रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आबूधर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंधल की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी शहरवासियों जिलेवासियों के सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। 73वें स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी जिलेवासियों शहरवासियों व देशवासियों को सरपंच उप सरपंच ग्राम विकास अधिकारी व समस्त वार्ड पंचों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरपंच बूटाराम मेघवाल, उप सरपंच कुक सिंह बाटी, ग्राम विकास अधिकारी सुनील कुमार चौधरी, ग्राम पंचायत थलवाड़, पंचायत समिति सहला जिला जालौर। प्रधानाध्यापक मोहनलाल प्रजापत, अध्यापक मांगीलाल राणा के साथ सरस्वती पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंगड़ी के समस्त स्टाफ की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी ग्रामवासियों एवं जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय में अच्छी शिक्षा एवं संस्कार के साथ कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। सरस्वती पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय मुंगड़ी, तहसील सायला जिला जालौर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसएमसी बैठक व बाल सभा संपन्न, हरित पाठशाला के तहत किया पौधारोपण। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में एएसएमसी की बैठक सेवानिवृत्त महाविद्यालय प्राचार्य के एम जैन, शिक्षाविद गणपत सिंह देवड़ा, पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाबूलाल परमार, वरिष्ठ कर सहायक सुरेंद्र सिंह परमार के आतिथ्य में संपन्न हुई। प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह सिंधल ने व बाल सभा प्रभारी राव गोपाल सिंह पोसलिया के अनुसार बैठक में हॉल निर्माण, प्रार्थना सभा हेतु टीन शेड, खरंजा निर्माण, विद्यालय में चौनल गेट लगाने, इंटरवल लगाने आदि सहित विद्यालय व विद्यार्थी हित के निर्णय सर्वसम्मानित के लिए पूर्व प्राचार्य जैन ने पौधारोपण संरक्षण सर्वधन व मार्गदर्शन किया। शिक्षाविद गणपत सिंह देवड़ा ने बाल सभा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। बैठक में सुरेंद्र सिंह परमार, बी सी परमार, अनिता चौहान, इंद्रा खत्री, देवीलाल कसवा, गोपाल सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं हरित पाठशाला कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। पैदल यात्रियों के लिए जगह जगह हो रहा है राम रसोड़े का शुभारंभ। आबू रोड से लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार इसे भक्ति कहें या इस देश की धार्मिक संस्कृति, जो कि हर वर्ग एवं धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक स्थलों पर अटूट विश्वास होने एवं अपनी मनोकामना
पूरी करने पर भगवान के दरबार में कोई पैदल जाते हैं तो कोई घुटनों के बल, कोई बाबा के दरबार में लौटता हुआ जाता है तो बाबा रामदेव के मेले की शुरुआत होने में कभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों का बाबा के दरबार में जाना शुरू हो गया है। इसी के तहत कई धार्मिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर बाबा के भक्तों के लिए राम रसोड़े का आयोजन करती हैं। इसी के तहत अरावली कैटर्स यूनियन ने हाईवे स्थित वीर बाग जी के पास राम रसोड़े का आयोजन किया है, जिसका यूनियन की अध्यक्ष मफतलाल माली, मंत्री कानाराम, कोषाध्यक्ष गणपत राज पुरोहित द्वारा शनिवार को सेवा केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। अरावली कैटर्स यूनियन के दिनेश माली ने बताया कि लोक देवता बाबा रामदेव का रुनिचा में भरने वाला मेला शुरू हो चुका है। ऐसे में विभिन्न स्थानों से उनके भक्तों में काफी लोगों का पैदल यात्रियों से जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आस्था के आगे लंबे रास्ते छोटे पड़ने लगे हैं। बाबा के दरबार में जाने वाले यात्रियों की सेवा करने, उन्हें निःशुल्क चाय व अल्पाहार उपलब्ध करवाने को सेवा केंद्र शुरू किया गया। वहीं भक्तों के गर्म पानी से इसे पैर धुलवाए गए। इस अवसर पर में गणपत राज पुरोहित, मफतलाल माली, महेश आर, कालू अजमेरी, बादाराम घाची, कैलाश माली, दिनेश माली, बद्री प्रसाद, सोहनलाल झाला, सुनील सिंह, महेश सिंह समेत बड़ी संख्या में यूनियन के सदस्य एवं श्रद्धालु मौजूद थे। पिंडवाड़ा से राकेश रावल की रिपोर्ट के अनुसार पिंडवाड़ा के निकट कोजरा चौराहा बाबा रामदेव होटल पर रामदेव जी की भक्तों यात्रियों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामदेव जाने वाली यात्रियों के लिए निःशुल्क चाय, नाश्ता, भोजन व ठहरने की व्यवस्था की गई। भंडारा महामंडलेश्वर, देवनाथ जी महाराज, गादीपति, मार्कंडेश्वर धाम आजारी के कर कमलों से शुक्रवार को शुरू हुआ रात्रि भजन सत्संग मारवाड़ी भजन मंडली रावल अशोक भाई द्वारा आयोजित किया जाएगा। स्वरूपगंज माधुराम प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में बाबा रामदेव सेवा समिति के तत्वाधान में रामदेवरा जाने वाले पद यात्रियों के लिए शनिवार को बाईपास हाईवे रोड स्वरूपगंज में 13वें राम रसोड़े का शुभारंभ किया गया। राम रसोड़े के शुभारंभ पर रेवानाथ महाराज का सानिध्य रहा। राम रसोड़े के कार्यकर्ता संतोख राम बोहरा ने बताया कि ये 13वें राम रसोड़ा का आयोजन किया गया। बाबा रामदेव जी के दर्शन को जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए स्वरूपगंज और आसपास के गांवों में भामाशाओं के सहयोग से निशुल्क भोजन, चाय, नाश्ता, मेडिकल सुविधा व रात्रि को विश्राम करने की सुविधा की जाती है। इस मौके पर राम रसोड़े की भामाशाओं का बहुमान एवं सत्कार सम्मान किया गया, जिसमें मुश्ताक भाई नागोरी, इंद्र सिंह देवड़ा, भुवनेश पुरोहित, जवानार पुरोहित, ललित गुप्ता, जकेश अग्रवाल समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरोही सरकास का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।